बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं शुरू करता हूँ उस पाक अस्ती के नाम से जो सब जहानों को पालने वाला है, और लाखों और करोड़ों दुरूद सलाम मेरे प्यारे नबी सरकार कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे मुखातब हूँ कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमने मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, और साथ ही रठवा रयाम पुल का भी मतालबा है कि वो मुकम्मल हो जाए। मेरी आपसे अपील है, दरख्वास्त है, जहाँ जहाँ मेरे कश्मीरी पाकिस्तानी बुज़ुर्ग बहन भाई मोए बहनें रहते हैं, आपके आगे दरख्वास्त की जाती है कि हमने मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, और ये मुहिम जो चल पड़ी है इसका ऑनलाइन पिटिशन पर साइन कर रहे हैं, और साथ ही जहाँ जहाँ हमारे कश्मीरी बसते हैं बरतानिया दूसरे मुल्कों में, आप सब के आगे मैं अपील करता हूँ कि आप, ये हमारा इंटरनेशनल काज है, ये एक अवामी काज है कि मीरपुर में एक आला मियार की एयरपोर्ट होनी चाहिए। तो मैं और साथ ही जो 10 साल हो गए हैं अरयाम पुल जिसका 3% काम हो चुका है, सिर्फ एक पिलर रहता है कंप्लीट करने को, जो हमारे बुज़ुर्ग बहन भाई उस पार रहते हैं कोटली सेंसा डडियाल रोली, उनके लिए सफ़र कम अज़ कम 1 घंटा बच जाता है। तो हमारी ये 2 मतालबे हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, और हमारा ये बुनियादी हक है कि हम ये मतालबे आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के आगे और पाकिस्तान हुकूमत के आगे, इमरान खान के आगे, ये जो है पिटिशन की शक्ल में उनको पेश करें। और देखो, हम कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानी दी है, जब मगला डैम बना तब भी हमने कुर्बानी दी, हमारी नकल मकानी हुई, बाद में अपराइजिंग हुई तब भी हमने कुर्बानी दी, फिर 2005 में जलजला मुसफराबाद जो आया तब भी हमने कुर्बानी दी, हम हमेशा अपने मुल्कों के लिए कुर्बानी देते आए और देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लाखों पाउंड हम यहाँ से अपने मुल्कों में बेचते हैं ताकि हमारा मुल्क खुशहाल और तरक्की करे और आगे बढ़े, हमारी गरीब आम का फ़ायदा हो। मस्जिद गोसिया लुटन से भी आगाज़ किया गया है, सब मस्जिदों पे इंशाल्लाह ताला पूरे यूके में, पूरे यूरोप में, जहाँ जहाँ हमारी मस्जिद हैं उनसे अपील करता हूँ, अलमा कराम से, कि आप अपनी मस्जिद में ऐलान करें और पिटीशन पर दस्तखत करवाएं, ताकि ये पिटीशन हम अपने हाई कमिश्नर लंदन के पास लेके जाएंगे, और उसके बाद ये पिटीशन वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के पास भी भेजेंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान हुकूमत के आगे भी ये पिटीशन भेजेंगे कि ये जो 2 हमारे मतालबे हैं ये हमारी आवाम के लिए हैं, ये अवामी काज है, एक एक फ़र्द का, एक जमात का ये काम नहीं है। तो आइए हमारी इस पिटीशन पर साइन करें, हमारी हिमायत करें, हमारी हौसला अफजाई बढ़ाएँ, ये दोनों जो मतालबे हैं ये जायज़ हैं, ये हमारी इंटरनेशनल काज है जिसका हमारी पूरी आज़ाद कश्मीर को फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाल बनेगा, और हमारा नाम भी होगा कि मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गई है, और फिर हमारे जो यहाँ टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट आएंगे जो कि हमारी आज़ाद कश्मीर को देखना चाहते हैं, उसमें भी हमारे मुल्क का, हमारी हुकूमत का फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मैं अपने कश्मीरी पाकिस्तानी बहन भाइयों के आगे, बुज़ुर्गों के आगे,
दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ, हमारी हमायत करें, हमारा साथ दें। और ऑनलाइन पिटिशन का आगाज़ हो चुका है, उस पर दस्तखत करें। और बाकी जितने भी मसाजिद हैं यूके में और दूसरे ममालक में, उनसे भी आगे दरख्वास्त करते हैं उलमा किराम के कि आप भी अपनी अपनी मस्जिद में ऐलान करें और इन पिटिशन पर दस्तखत करवाएं। जब ये दस्तखत तैयार हो जाएंगे, हम अपने लंदन हाई कमिश्नर के पास लेकर जाएंगे कि हमारे जो मुतालबे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा बुनियादी हक है। तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी मदद करें। जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी कश्मीरी बसते हैं, आप बराए करम हमारा हमायत करें, हमारा साथ दें, ताकि इस मूवमेंट को अब इसकी तेज़ करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।